दर्शकवृंद नमस्कार, कोरोना विशेष में स्वागत करै छी। कोरोना के जे जोखिम अखन बढ़ल छै, ई बढ़ला संगे विभिन्न ठाव में टेस्ट सेहो भ रहल छै। विशेष कऽ कऽ लैब सब में अखन जे कोरोना संक्रमित के एकटा आशंका जिनका सबके छै, ओ सब टेस्ट कराब रहल छै, धमाधम टेस्ट कराब रहल छै। आ जँ पछिला किछु दिन के बात करी तब जते गोटे टेस्ट कराबै छै ताहिमे सँ अधिकतर में कोरोना देखल जा रहल छै, तऽ ई एकटा बड़ा चिंता के विषय सेहो बनि गेल छै। तऽ प्रदेश दू में टेस्ट केना के चलि रहल छै, अखन की छै अवस्था, ई यावत विषय में आइ बातचीत करब। तऽ अखन प्रदेश दू के प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डॉक्टर श्रवण मिश्र अखन जुड़ल छै, हुनका जोड़े बात करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में स्वागत छै। धन्यवाद, नमस्कार। शुरुआत हम एहि विषयसँ करय चाहब कि अखन टेस्ट के गति केहन छै, कोन रफ्तार में पीसीआर टेस्ट भऽ रहल छै। टेस्ट के हमरा सबके प्रदेश नंबर दू में करीब करीब प्रत्येक जिला में जे है पीसीआर लैब छै, और प्रत्येक जिला के लैब के कैपेसिटी 300 पर डे टेस्ट कऽ सकै छै, और प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जे जनकपुर में अवस्थित छै ओकर कैपेसिटी अपने के 1000 प्रतिदिन करे कैपेसिटी छै, और अखन 100 से 200 के रेंज में सैंपल एहिठाम आबि रहल छै जांच करल, और जिला में अपने के 50 से लेके 100 तक के केस सब टेस्ट करे लगे आबि रहल छै। जी, जेना कि किछु महीना तऽ एक किस्म से कही तऽ बहुत कम संख्या में कोरोना संक्रमित देखल गेलै, या कही तऽ ई कहल जाइ छलै कि कोरोना भाग गेलै आब सेहो कहल जाइ छलै, लेकिन आब नया वेरिएंट जे कहल जाइ छै से चलि आयल छै, या पहिले सँ आओर जोखिम वाला कोरोना चलि आयल छै से कहल जा रहल छै, जाहि हिसाब सँ भारत में एक किस्म सँ आतंक मचि गेल छै ओतऽ। नहि तऽ नेपाल के संदर्भ के बात करी, जनकपुर में जे अहाँ सब टेस्ट करै छियै, तऽ कहिया सब जे कोरोना के संक्रमण छै, हमरा एकटा अंदेशा लऽ कऽ टेस्ट कराबऽ पहुँचल होइ, कहिया सब बढ़ऽ लगलै? अपने के चैत्र महीना, गत साल के चैत्र महीना के अंतिम हफ्ता से केस बढ़े के शुरुआत भेलै है प्रदेश नंबर दू के बात करबी तऽ। जी, और खास करके प्रदेश दू में देखल जाए तो परसा जिला जो हॉटस्पॉट के संग संगे औरो जिला में भी केस सब अखन देखल जा रहा है, धनुषा, महोतरी, बारा, सिरहा, सप्तरी सब में अपने के केस सब इंक्रीमेंट के ही, लेकिन सबसे जरूरी बात की छे कि जत्ते भी टेस्ट हम सब कर रहल छे वही में पॉजिटिविटी रेट बहुत ही ज्यादा आ रहल छे, और अपने कहली से सही चल रही है महीना एमहर से जे सब आइब रहल छे, जत्ते कोई टेस्ट करा रहल छे तेमे अधिकतर में पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहल छे। जी हां, 60% में पॉजिटिविटी रेट आ रहल छे, और अपने जना कहलिए कि चैत से पहले, चैत के दोसर हफ्ता से पहले केस घटले छलिए, एकदम नहिए के बराबर छलिए, फाटफुट विदेश जाए वाला अथवा पढ़ाई के लागी अध्ययन के पर्पस वाला मात्र अबै छलिए, और अखन जे कहबली गेल गेलै जे भारत से जे डबल म्यूटेंट के रहलै प्लस यूके वेरिएंट के रहलै, ब्राजीलियन वेरिएंट के रहलै, और संग संगे पुरनका वायरस अखन जैसे वाइल्ड टाइप हम सब कहै छलिए पुरनका वायरस के, और नया वायरस के हम सब वेरिएंट कहै छी, अखन वाइल्ड टाइप के संग संगे वेरिएंट वायरस दुनू के मार जे है अखन जे है प्रदेश नंबर दू में जैसे बढ़ रहा है, वहां तो देशे भरे बढ़ रहा है, लेकिन प्रदेश नंबर दू में खास कर परसा जिला से जैसे एक मतलब ज्यादा संख्या है, और धीरे धीरे और जिला में भी। जनकपुर में जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जे टेस्ट करावा आबे छै, ओ सब कत से आबे छै, मतलब सब जनकपुर एही क्षेत्र के रहे छै या और जिला के व्यक्ति सब आबे छै? हाँ, अखन अपने के सिरहा जिला में सेहो प्रयोगशाला संचालन में है, अखन अपने के महोतरी जिला में जलेश्वर में सेहो संचालन में है, तै लेल जैसे अभी मलंगवा में संचालन के शुरुआत करे के स्थिति छै, लागि जाइ छै अखन केस अपने के मलंगवा से और धनुषा जिला से और फाटफुट अन्य जिला से भी अपने के केस आबि रहल छै। जी, जनकपुर प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशाला में। जी, आब एकटा महत्वपूर्ण बात जे आबि रहल छै, जे अखन जे कोरोना देखल जा रहल छै, एकरा नया वेरिएंट कहल जाइ छै, डबल म्यूटेंट सेहो कहि रहल छै, नहि ई की छै, अहाँ सब जे टेस्ट करै छियै ताहिमे ई चीज अहाँ सब फाइंड आउट कऽ लै छियै कि अखनका कोरोना छै से फरक छै, फरक प्रकृति के छै,
पहले का एहन छे अखन का एहन छे से लैब फाइंड आउट करे छे अहाँ सब फाइंड आउट कले छे केना छे? नहीं, प्रदेश नंबर दू में वाइल्ड टाइप वायरस है अथवा वेरिएंट वायरस है ओकर छुटियावे वाला जे कीट होइ छै से हमरा सब उपलब्ध न है। ताहि लेल हमसब अखन जे से ई वाइल्ड टाइप है अथवा अपने के वेरिएंट है से नहीं कह सकै छियै, लेकिन पीसीआर में अपने के पॉजिटिव देखा गेल यऽ। और कता कता की होइ छै जे कि जे हमसब मेनली जे से तीनटा जीन जे जांच करै छियै तऽ ओहिमे से कोनो कोनो जीन जे से एबसेंट देखाइ छै, तऽ ओ एबसेंट देखाय वाला जीन जे से वेरिएंट हो सकै छै से हमसब अनुमान मात्रे करै छियै, लेकिन एकर जे से कन्फर्म करै लागि राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में पठबै छियै, कियाकि ई सुविधा अपने के प्रदेश नंबर दू के कोनो भी प्रयोगशाला में ई वेरिएंट छै कि नहीं छै से कहे के सुविधा अथवा ओकर जांच के किट अखन हमरा सबके अवेलेबल नहीं छै। मतलब कोरोना कहि कऽ जे पहिलका कोरोना छलै या अखन का कोरोना छै से अलग अलग अहाँ सब नहीं कह सकै छियै, लेकिन कोरोना छै से मात्र कहि सकै छियै। सही बात जी। आब रहलै कि ई न्यू वेरिएंट कोरोना जे कहै छै ने, ई की छै वास्तव में? न्यू वेरिएंट की छै आ डबल म्यूटेंट कहि कऽ कहै छै, ई की छै? ई की होइ छै अपने के? एगो कहै छै वाइल्ड टाइप वायरस जे अपने के चाइना के वुहान शहर से जे छै शुरुआत भेलै और ओ करीब करीब विश्व के बहुत सारा देश में जे छै फैललै। ओ फैला के बाद की होइ छै अपने के? ई वायरस अपने के आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस में म्यूटेशन होनाई स्वाभाविक प्रक्रिया है, और वही म्यूटेशन में अपने के खास के कुछ जगह जे अपने के मानव शरीर में जे प्रवेश करै छै ओकरा हमसब रिसेप्टर कहै छियै, और रिसेप्टर में बाइंड करै वाला जगह में यदि म्यूटेशन होइ छै तऽ ओ वायरस के पैथोजेनिसिटी अथवा ओ वायरस ज्यादा संक्रामक होइ वाला एहन टाइप से देखल गेलै। तऽ अपने जे से अभी यूके वेरिएंट जे नेपाल में देखल गेलै और जे डबल म्यूटेंट सेहो ललितपुर के एगो व्यक्ति में जे से प्रमाणित भेलै, एकरा समय की देखल गेलै कि अभी जे नया वेरिएंट वायरस आयल है ओ वायरस अपने के ज्यादा संक्रामक मतलब एगो व्यक्ति के भेलै तो ज्यादा व्यक्ति में सार सकै छै से एगो देखल गेलै। प्लस दोसर की देखल गेलै अपने के, ई सब जे से पहले ओल्ड एज के व्यक्ति में मात्रे संक्रमण करबै छलै, अखन ई सब जे से म्यूटेशन के चलते ओ वायरस में म्यूटेशन के चलते ई अपने के बच्चा समय और यंग एज में भी स्वरूप परिवर्तन कर लेलकै ने। ई जे पहिलका कोरोना छलै एकर स्वरूप अखन परिवर्तन भेलै आ जोखिम मतलब या कहि पहिले से खतरनाक, पहिले से अपने के खतरनाक भी भेलै। और दोसर बात जैसे विभिन्न एज ग्रुप में जे पहिले बच्चा में लगै छलै यंग एज में लगै छलै ओहो एज समय आबि जाइ छै अपने के इन्फेक्शन करा रहल छै ताहि लेल, आ दोसर बात जैसे संक्रामक एकर ज्यादा छै। और तेसर फैक्टर की देखल लिए कि संक्रमण भेला के बाद एकर लक्षण जैसे विभिन्न स्वरूप के लक्षण सब एग्जैक्टली जे पहिलका वायरस से नहीं मिलदो जुलदो कनी फर्क खाल के लक्षण भी, कभी काल डायरिया मात्रे होय, कभी काल हल्का ज्वरो मात्रे होय, कभी काल रुगा मात्रे लागब, कभी काल खोखी मात्रे, ओहिमे से कोनो लक्षण भेला के बावजूद भी ई कोरोना हो सकै छै तेहन टाइप से अभी जे छै जेना जे सब अखन जनस्वास्थ्य में आबि रहल छै एकटा कोरोना भ सकै छै से आशंका क के जे सब आबि रहल छै जांच कराबक लेल तिनका सब में आय केहन किस्म के लक्षण देखल गेल जे सब अखन आबि रहल छै अहाँ सबके अनुभव में? हाँ, हमरा सब जे प्रयोगशाला में अखन आबि रहल छै ओहिमे से अपने के किनको जे से बिना लक्षण के भी पॉजिटिव देखाल गेल यऽ, लक्षण नहीं छै शंकास्पद हिसाब से, कोई जे से संक्रमित व्यक्ति नजदीक में आयला से भी आयल है ओनो के सब आबि रहल छै, कुछ के अपने के लक्षण के बाद कहलिए तो ककरो जे ज्वरो मतलब बुखार मात्रे आबि रहल छै, किनको सर्दी मात्रे भेल है, किनको जे से अपने के जे से सर्दी और बुखार दुनू भेल है, किनको जे से पेट मात्रे दुखा रहल है, डायरिया मात्रे भ रहल है, तेहन तेहन किस्म के विभिन्न किस्म। ई तीनटा जे अपने लक्षण कहली तऽ पहिलको जे कोरोना छलै तऽ अहूमे ई लक्षण तऽ छलै ने, पेट मतलब पेट झड़नाइ, ताहिके बाद बुखार एनाइ आ सर्दी, ई तऽ पहिलको कोरोना मे छलै। हाँ, पहिलका कोरोना मे अपने के कम्बाइन रूप से अबै छलै, अभी जे सिंगल सिंगल मात्र लक्षण भी देखला से पॉजिटिव आबि रहल छै जी। जेना कि कहलिए अपने कि नेपाल में डबल म्यूटेंट के सेहो पता चलि गेलै, एक गोटे में देखल गेलै, ताहिके बाद न्यू वेरिएंट के बात कर रहल छी, आ जँ जनकपुर धाम में जे प्रयोगशाला छै या कहीं पीसीआर टेस्ट जे भऽ रहल छै ओ मशीन ई पता नहि लगाबै सकै छै कि न्यू वेरिएंट छै या पहिलका कोरोना छै, तऽ केना कऽ बुझि सकै छी? मानि लो जनकपुर जे सब चेक कराबै छै तऽ हुनका सब लग कोन किस्म के कोरोना छै से एक्चुअल में कहल नहि जा सकैया,
तो केना के नेपाल में जे हिसाब से प्रचार कैल जा रहा है या कहल जा रहा है कि नया वेरिएंट सब में भेट रहा है, सब में वह भेट रहा है कि पहल को भेट रहा है कि वास्तव में एना है जैसे राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जैसे राष्ट्र राष्ट्र के लेवल में अपने के लीडरशिप में छ और वो जैसे सातों प्रदेश से सैंपल सब कलेक्शन करी छथिन और वही सैंपल से जाँच कल के बाद जैसे प्रमाणित हो और अपने जो कहिए उपकरण प्रदेश में उपकरण है उपकरण के दिक्कत नहीं है ह्यूमिड है वह के दिक्कत नहीं है माइक्रोबायोलॉजिस्ट विज्ञ बायोलॉजिस्ट विज्ञ भी है खाली हमारा सबके कमी है तो वो अपने के जैसे रिएजेंट के और वो रिएजेंट यदि केंद्र हमारा सबके उपलब्ध करा देते तो हम सब अखन के प्रयोगशाला में भी ये वेरिएंट है कि नहीं है से हम सब पता लगा सकते के अपने के जैसे केंद्र सरकार जैसे अभी केंद्र सरकार भी मॉनिटरिंग कर रहा है और सातों प्रदेश के सैंपल जो शंकास्पद सैंपल हो खास करके शंकास्पद सैंपल के हम सब कुछ कैटेगरी बनेने से जना तीन गो जीन में से दो गो जीन मात्र देखाए चाहे वायरस के मात्रा बहुत ज्यादा हो चाहे अपने के ट्रांजिट रूट जो इंडिया से आयल हो अथवा फर्दर मतलब जैसे अपने के यूके अथवा लंदन से वही रूट तक आयल हो तो इपिडेमोलॉजिकल लिंकेज के आधार पर भी हम सब सैंपल पठबी और वही से अपने के जैसे प्रमाणित हो और इससे पहले जैसे जे राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में प्रमाणित कल गया वही में अपने के जैसे 70% में जैसे सैंपल में जैसे यूके वेरिएंट जे दिखाई दे छै और एक टा मात्र अपने के डबल म्यूटेंट जे भारत से आयल से दिखाई दे छै प्रमाण ये देखल गेलै आब पीसीआर टेस्ट जे होइ छै ने ओना पहिले ही कहल जाइ छलै कि 100% सही रिजल्ट नहि दै छै मान लू कोई स्वस्थ छै तऽ हुनका में सेहो पॉजिटिव देखा सकै छै या कोई कोरोना संक्रमित छै तऽ हुनका में नेगेटिव सेहो देखा सकै छै से कहल जाइ छै आब अहाँ सब तऽ एहिमे लागल छियै टेस्ट करैत आबि रहल छियै की छै अहाँ सबके विश्लेषण की छै ई जे पीसीआर टेस्ट मशीन जे छै पीसीआर मशीन ई कतेक सही रिजल्ट दै छै पीसीआर उपकरण बहुत ही मतलब सही रिपोर्ट दै छै रहि गेलै अपने कहली प्रविधि होइ छै कि प्रविधि के अपने के कुछ लिमिटेशन होइ छै कि कते परसेंट व्यक्ति में जैसे पॉजिटिव देखतै तै लेल जैसे अखन हम सब जैसे एगो राष्ट्रीय गाइडलाइन कहै छी टेस्टिंग के ओहिमे हम सब की करै छियै तऽ जे अर्जेंट बीमारी रहै छै ओकरा सबके हम सब एंटीजेन के जाँच करै छी और एंटीजेन के मतलब भेलै वायरस के बाहरी परत के जे ओकर जे छै इपिटोप होइ छै ओकर जाँच करनाइ संग संगे पीसीआर के जांच में हम सब अभी नाक से और मुख से दोनों से स्वाब लै छिए तै जब ये नाक और मुख दोनों से स्वाब लेला के बाद अपने के एकर सेंसिटिविटी 70-80% भाई छै तो तै लेल अखन जे छै ओहन ढंग से इशू और ई हमरा सब के प्रयोगशाला जे जते भी प्रयोगशाला छै सब जे छै गुणस्तर नियंत्रण कार्यक्रम छै राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के ओहिमे भाग ले रहल छै और ओहिमे हम सब जे पॉजिटिव निकालै छियै ओकर जांच सेहो होइ छै निगेटिव निकालै छियै ओकर जांच सेहो होइ छै लेकिन अहाँ जेना कहलियै सैंपल कलेक्शन में यदि प्रॉपर प्रक्रिया नहि अपनायल जाए तहन ओहन केस में आबि सकै छै मतलब अगर एकटा व्यक्ति जनकपुर में आइ चेक करौलकै तऽ हुनका में पॉजिटिव देखा गेलै और काल्हि ओ जाके बीरगंज में अगर चेक कराबै छै तऽ निगेटिव आबि सकै छै अगर प्रॉपर तरीका से चेक नहि केलकै या प्रॉपर तरीका से स्वाब नहि लेलकै तब से अपने कहि रहल छै ई बुझल जाए हाँ एकर जैसे अपने के मतलब प्रोसेस देखल जाए तो एगो तो अपने के स्वाब कलेक्शन में हो सके छै दोसर अपने के जे स्वाब कलेक्शन भेलै और ओकर जैसे बीच में तापक्रम नियंत्रण नहि क के प्रयोगशाला में भेज देली तेसर अपने के ओहिठाम जैसे जांच करे के खाल में जे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर होइ छै ओ नि मने कानी फॉलो केली तो सेवरल स्टेप्स है जैमे जैसे संभावना रहि सके छै कभी काल पॉजिटिव निगेटिव होनाइ जैसे सेवरल स्टेप्स में संभावना रहै छै लेकिन ओ सब स्टेप के हम सब निगरानी में रखने छियै प्रत्येक स्टेप में कोनो भी स्टेप में एहन ढंग से इशू नहीं आवे और पॉजिटिव पॉजिटिव देखाबे और निगेटिव निगेटिव देखाबे लगी हम सब प्रत्येक स्टाफ सब जे छै बीच में प्रदेश लेवल के तालीम ताहिके बाद इवन राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला से विज्ञ सब आके तालीम और संग संगे बीच में WHO के विज्ञ अथवा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउंसिल के विज्ञ सब इंडिपेंडेंट किस्म से ओ प्रयोगशाला के सब प्रोसेस केना भ रहल छै ओहु सबके अनुगमन जे हम सब कर रहल छै ताहि लागि ओहि चीज के न्यूनीकरण में हम सब जे लागल जी अखन जे सब टेस्ट कराब आबि रहल छै मान लू किनको एकटा आशंका लगलै नै कि हम टेस्ट कराबी तब की करऽ पड़तै प्रोसेस की छै सीधे जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में पहुँचऽ पड़तै या स्थानीय निकाय से चिट्ठी लिखा पड़े या कार लऽ कऽ जाय पड़े की छै प्रोसेस की छै अखन बहुत सहज प्रोसेस हम सब कर देने छियै अपन एगो आईएनटी कार्ड लऽ के आओ और अहाँ के जैसे आठ गो जिला में से सात गो जिला में ऑलरेडी रनिंग भर रहा है सात गो जिला के कोनो भी प्रयोगशाला में अपने आईएनटी कार्ड
आईएनटी कार्ड एहि लेल जरूरी होइ छै कि हमरा सबके सेंट्रलाइज डाटा एंट्री होइ छै आईएमयू सॉफ्टवेयर में राखे पड़ै छै, तऽ आईएनटी कार्ड जरूरी होइ छै। कोनो भी लक्षण भेल व्यक्ति आके जांच करा सकै छी, कोनो भी लक्षण प्रमाणित कोविड प्रमाणित भेल व्यक्ति के संपर्क में भेल व्यक्ति आके जे जांच करा सकै छी। और हम सब एहिमे जे छै आरो की सुविधा देने छियै कि खास करके जेकरा लक्षण भेल है और उपचार से वंचित भ रहल है उनका सबके लेल हम सब जे छै प्रत्येक जिला अस्पताल में प्रादेशिक जनकपुर अस्पताल में एंटीजेन के जांच के सुविधा दे देने छी। और एंटीजेन के जांच जे छै पहिलका जे हम सब अहाँ सब सुनने होबै जे एंटीबॉडी खून में से जांच करै छै तेहन नहि होइ छै, इहो स्वाबे के जांच होइ छै। और एंटीजेन के जांच यदि पॉजिटिव आबि गेलै तऽ उनका कोनो पीसीआर कराबे के जरूरी न है, लेकिन कभी काल एंटीजेन निगेटिव आबि गेलै और उनका लक्षण है तो वही केस में हम सब पीसीआर करै छी। तो हम सब अभी अर्जेंट केस के केयर नर्स व्यवस्था कर दें कि इवन अहाँ के एक घंटा के भीतर अहाँ के रिपोर्ट आबि जाइ छै, जे खास के हम सब लक्षण भेल व्यक्ति के और जे चिकित्सा सेवा से जे वंचित नहि होइ ओहि के लेल हम सब जे छै प्रत्येक जिला अस्पताल में प्रादेशिक अस्पताल में जे छै और इवन प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भी एंटीजेन टेस्ट किट के जे छै व्यवस्था केने छियै। और एहिमे जे छै कुछ कन्फ्यूजन कथी छै अपने के, हम कन्फ्यूजन अपने के दूर करय चाहै छी अजय जी, एहिमे कन्फ्यूजन की छै कि पीसी एंटीजेन पॉजिटिव आबि गेलै तऽ फेनो पीसीआर कराबे के चाही कि चाही नहि जरूरी छै? एंटीजेन यदि पॉजिटिव आबि गेलै तऽ पीसीआर कराबे के जरूरी नहि छै, एंटीजेन यदि पॉजिटिव है एक मतलब वो पीसीआर में भी पॉजिटिव आते। और कभी काल की होइ छै कि एंटीजेन निगेटिव आबि गेलै लेकिन लक्षण है तो ओहन केस में चिकित्सक साथी सब जे छै रिक्वेस्ट कयला के बाद हम सब एंटीजेन टेस्ट के व्यवस्था प्रदेश के किछ अस्पताल में छै, प्रदेश के संपूर्ण जिला अस्पताल में छै, प्रदेशिक जिला अस्पताल में न कि लैब सब में, लैब सब में नहीं छै एंटीजेन के टेस्ट करय के व्यवस्था प्रत्येक जिला अस्पताल के लैब में उपलब्ध, प्रत्येक जिला अस्पताल के लैब में छै, मतलब जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नहीं कि जिला अस्पताल के लैब में छै व्यवस्था। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में सेहो छै, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में तो छैबे करै, संग संगे प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश अस्पताल अपने के की लगे मतलब नारायणी आशंका लगले त की करते मतलब ल के जिला अस्पताल में जेते या एंटीजेन परीक्षण करे ते से नीक या पीसीआर टेस्ट करवाला सीधे करे ते से नीक? अपने के अभी प्रत्येक जिला में पीसीआर टेस्ट सेहो अवेलेबल है, पीसीआर टेस्ट जे छै आई देबी त जनरली 24 आवर लगै छै ओ जांच के रिपोर्ट, 24 घंटा लगै छै, लेकिन अपने के अर्जेंट जरूरी है ट्रीटमेंट जे छै ऑप्शन के लागि यदि अर्जेंट जरूरी है और ओहि के चलते कोनो भी चिकित्सीय सुविधा से वंचित हो रहल छै तो ओ लोग जे छै अपन तुरंत जे छै एक घंटा के भीतर में अपने के एंटीजेन के टेस्ट करा के जे छै सुविधा ले सकै छै। एंटीजेन टेस्ट में की ब्लड लै छै केना होय छै ओकर टेस्ट? जेना एहिमे स्वाब एंटीजेन टेस्ट जे छै अपने के स्वाबे से जांच होय छै, स्वाबे से। और डॉक्टर साहब कनी और एहिमे बात बुझै चाहै छी जे एकटा तो भेलै कि आब मालूम कोई जेते टेस्ट करवाला जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में या जिला में जत जत छै प्रत्येक जिला में जेना छिते छै लैब सब, तो एकटा तो अपने कहलिए परिचय पत्र लऽ जाय पड़लै, कोनो कार्ड लऽ जाय पड़लै, ताहिके बाद सीधे जाकर टेस्ट करा सकै छै, ककरोसँ सिफारिश लेके जरूरी नहि छै, सीधे जाकर करा सकै छै ऑफिस आवर में, इएह बात छै ने? अखन हमसब कलेक्शन के टाइम बढ़ा देने छी, प्रदेश जन स्वास्थ्य बजे तक सैंपल कलेक्शन होइ छै, मतलब 12 घंटा के सर्विस सैंपल कलेक्शन में देल गेल छै। जेना कि कै बजे पहुँचऽ पड़ै छै, की छै ओकर टाइम टेबल केना छै? मान लो कोई जनकपुर में टेस्ट करा, मतलब हमसब अखन जे छै संक्रमण के संक्रमित के संख्या बढ़ला के बाद प्रदेश जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सुबह 7 बजे से लेके सांझ के 7 बजे तक सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था छै, ओहि टाइम में कभी आबि सकै छी, 12 कभी आबि सकै छी, कार्ड लगा आबि सकै छी जी। आब एकटा आओर जे बात अबै छै सिटी वैल्यू के विषय में सेहो बात अबै छै कि सिटी वैल्यू नहि देल जा रहल छै, दिय के चाही सेहो बासो उठैत रहै छै, एहिसँ ई बात पता चलै छै कि कते संक्रमित छियै, कोन लेवल में संक्रमण छै हमरा देह में से पता चलै छै, तऽ ई किया नहि भऽ रहल छै? सिटी वैल्यू हमसब नेशनल राष्ट्रीय लेवल में ही ई चीज के जे छै छलफल भेल रहै, और सिटी वैल्यू देला से ऐसे विभिन्न किस्म के पब्लिक में जे छै क्लियर कट मैसेज नहि जा रहल, कियाकि सिटी वैल्यू बुझे वाला चिकित्सक होइ छै और प्रयोगशाला के माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेवल के अपने के जनशक्ति होइ छै जे विशेषज्ञ होइ छै, ताहि लागि हमसब जे छै चिकित्सक जे उपचार करय में संलग्न छै उनका रिक्वेस्ट पर हमसब जे छै उनका सबके सिटी वैल्यू जे छै प्रोवाइड करै छियै, अदरवाइज जनरल पब्लिक में सिटी वैल्यू से कन्फ्यूजन हो सकै छै,
ताहि लेल जैसे ई चीज जैसे अभी जैसे रिपोर्ट में हमसब पॉजिटिव और निगेटिव मात्र दे छी जानते छी जनकपुर के जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेहो दे छै लेकिन विशेष अवस्था में मात्र चिकित्सक के राय के चिकित्सक के बुझाई छै जरूरी जब ई खास के रेमडेसिविर चलावे पड़ल बीरामी के अथवा आरो भी चिकित्सीय पद्धति में यदि सपोर्टिव होते तो उनका सब रिक्वेस्ट आला के बाद हम सब चिकित्सक के जैसे उपचार मतलब जैसे अथवा जे लोग बुझे छे पढ़ल लिखल छे उनका सब हम सिटी वैल्यू दे छी अभी सिटी वैल्यू की छे करे आओ विषय में कह देल जाए आ ई साइकिल थ्रेश होल्ड के होय छे जे पीसीआर के परीक्षण में अपने के सिटी वैल्यू के आधार पर कोई व्यक्ति में वायरस के मात्रा कते छे अनुमानित रूप में से पता चलै छे एक रेंज अपने के जैसे सिटी वैल्यू के रेंज 15 से लॉ के 40 तक लग हुई 15 के मतलब है उसमें वायरस की मात्रा बहुत ही ज्यादा है मार्कर नहीं चाहिए पेशेंट के ट्रीटमेंट के लागी जै के वैल्यू पर सब निर्णय अपने के जैसे ले सके छी उसमें संग संगे अपने के बीरामी के लक्षण उनका सांस लेवे में दिक्कत छै कि नहीं छै उनकर फीवर की छै उनका में जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन की छै तो ये अपने की जे बीरामी के जे उपचार होइ छै ओ उपचार में सब के रोल मध्ये एगो छोट रोल मात्र सीटी के वैल्यू के होइ छै ते लागी एकरा जैसे एब्सोल्यूट रूप से नहीं लके कंबाइंड रूप से जैसे ट्रीटमेंट के ऑप्शन में राखल जाय छै सीटी वैल्यू के प्रयोग वन मंथ डॉक्टर साहब जना के पहले कांटेक्ट ट्रेसिंग होइ छलै या पहिलका कोरोना छलै तहिया एक किस्म के अपने के की लगैए कि आप फिर ई चीज के आवश्यकता छै कि या अखन जे व्यवस्थापन जे हिसाब से कयल जेल छै इएह ठीक छै कांटेक्ट ट्रेसिंग होनाय जरूरी छै अखन हम सब कांटेक्ट ट्रेसिंग टू सम लेवल में है ना कर रहल छी लेकिन ओकर आरो जैसे ओकर जैसे व्यापकता बढ़नाय जरूरी है अखन हम सब प्रयोगशाला में जे भी लोग पॉजिटिव आबै छै उनका हम सब फोन करके जानकारी करबै छी उनका सबके एगो यूनिसेफ से देल गेल एगो हाइजीन किट होइ छै जेमे अपने के मास्क साबुन ई सब हम सब निशुल्क उपलब्ध करबै छी प्रयोगशाला से स्वास्थ्य प्रयोगशाला से और उनका सबसे हम सब इन्फॉर्मेशन लके जे कोनो भी अपने के नजदीक के जे अपने के नजदीक के संपर्क में आयल छै उनका सबके सबके जांच करे लागि पठा दियौ तेहन टाइप से भरल छै लेकिन ई जे छै पर्याप्त नै छै ई पर्याप्तता नै छै तै लेल अपने के कांटेक्ट ट्रेसिंग के लागि प्रदेश निदेशनालय में हम सब काल्हि खन एकटा निर्णय कैली और ओहिमे जैसे जे सीआईसीटी हम सब कहै छलियै एगो ओ सीआईसीटी टीम के एक्टिवेट करे पड़लै और जे पहिलका महामारी जे पहिलका साल के महामारी रहै ओहि हिसाब से जे हिसाब से एक्टिवेट भेल रहै ओ एक्टिवेट केनाइ जरूरी है कैला कि जब तक हम सब टेस्ट के स्केल अप नै करबै तब तक जैसे संक्रामक के जे चेन है ओहि सब के नै ब्रेक कर सकै छियै और ओ चेन के ब्रेक करे लागि सीआईसीटी एक्टिव होना है और सीआईसीटी एक्टिवेट करके प्रॉपर सैंपल जैसे प्रयोगशाला में आनाई जरूरी है अखन की देखल गेल छै कि प्रयोगशाला में जांच कम भ रहल छै कि एकर निगेटिव मैसेज आ रहल छै लेकिन एक्चुअली की होय छै जब तक कांटेक्ट जैसा होय छै तिनकर माते जांच बढ़त हां सैंपल के संख्या नहीं बढ़तै और सैंपल के संख्या नहीं बढ़तै त हम सब टेस्ट जैसे कम करबै और अपने देखल जतै त ऐसे पहिलका साल में जे हिसाब से हम सब टेस्टिंग के स्केल अप केली टेस्टिंग के स्केल अप कला के चलते जैसे अपने के जैसे 2 महीना 3 महीना में जैसे हम सब करीब करीब केस के जैसे डाउन करने रही कैला कि इस संक्रामक रोग में दुटा फैक्टर होय छै एगो फैक्टर अपने के बीरामी के पॉजिटिव और निगेटिव वाले और उपचार में ओकर जैसे काम लगे छै और बहु से भी ज्यादा इंपोर्टेंट चीज कथि होय छै कि तै लेल जैसे यही रोग में जैसे बीरामी ही ई रोग के स्रोत है तै लागे जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग होनाई बहुत ही जरूरी है और कैला कि जे व्यक्ति पॉजिटिव भेलै संक्रमित भेलै उनका आइसोलेट करनाई जरूरी है और ओहिके बाहेक उनका फैमिली में जे आरो व्यक्ति है ओ सब क्वारंटाइन में मतलब उनका से टाढ़ा रह के जैसे मतलब व्यवहार करे पड़लै मास्क लगावे पड़लै तो ई चीज सब के जैसे है ना साबुन पानी से हाथ धोए वाला जते भी ई जे स्वास्थ्य के जैसे अपने के जैसे प्रक्रिया सब रेस्पिरेटरी इटिक हम सब कहै छी कि बिना हाथ नै धोने जैसे अनुहार के ओढ़ी पड़ी अथवा नाक कोटाय वाला पानी ई सब छोड़े पड़लै ओहि के लागि भी सीआईसीटी केनाई जरूरी है और जब तक हम सब जना कि जनशक्ति के बात करी ई सदै त अभाव रहलै है जनशक्ति प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर के बात करी हरेक सेक्टर में छै स्वास्थ्य में से वह अवस्था छै जना कि अइसे अगिलका साल
जनशक्ति राखल गेल छलै लैबे के बात करी या अस्पताल के बात करी हरेक ठाव में करार में जनशक्ति से भर्ना कैल गेल छलै। एकटा चिंता के विषय तो इहो रहले कि हुनका सबके तलब नहीं देल गेलै आ हटाओल गेलै, ई तो एकटा खराब मैसेज तो गेलै। तो अई विषय में किछ कहल जाए आ अई बेर जनशक्ति के केना के अहाँ सब जे जनशक्ति जे ऑलरेडी थाई नियुक्ति वाला सब छै वएह सब काज कर रहल छै कि नया भर्ना के लेल सेहो अहाँ सब विचार केने छी? की होइ छै कि प्रदेश सरकार एहिमे कोरोना के केस घटल मिसकम्युनिकेशन भेल रहै, लेकिन जेना अपने कहल गेलियै प्रत्येक जे स्वास्थ्य कर्मी छलियै खास कर प्रदेश प्रयोगशाला में उनका सबके जे छै फागुन तक लगे सबके सैलरी मिलतै। चैत महीना के जे छै बीच में गैप भेलै, फेनु बैसाख से फेनु सैलरी मिले के बाद के लागि जे छै एगो प्रक्रिया गाड़ी बढ़ि गेलै, ताहि लेल जे छै सब आदमी के तलब अवश्य मिलल छै फागुन तक लगे। और ये बीच में जे कुछ दरबंदी सृजना कराबे के जे प्रक्रिया अगर त्रुटि भेल छलिए जे सामाजिक विकास मंत्रालय के मुख्यमंत्री कार्यालय के संयोजकत्व में करे के छलिए ओहि में कुछ डिफॉल्ट छलिए, लेकिन ओहू के आप छलफल करके ओहि के जे से सॉल्व कल गेलिए और आप जे से बैसाख महीना से जे से कंटिन्यूटी मौखिक हमरा सबके समर्थन मिलिए ओहि के अगाड़ी ओहि के लागि जे से कागज प्रक्रिया सेहो अगाड़ी बढ़ि गेलिए। जनशक्ति के विषय में अपने के का नाम बहुत सही है, प्रदेश के जते भी अस्पताल है जी, प्रदेश के जते भी अस्पताल है वो सब अस्पताल में जैसे ओहना भी कोविड के संक्रामक रोग के महामारी से पहले भी सब अस्पताल में अपने के जनशक्ति की जैसे कमी है कैला की अपने के पेशेंट के फ्लो ज्यादा है और अपने के जैसे जनशक्ति जो स्थायी प्रकृति के जनशक्ति है सब अस्पताल में अपने के कम छे। ताहि लेल अपने के जैसे अभी जैसे अस्थायी दरबंदी द्वारा जैसे अभी पदपूर्ति क के अखन जैसे प्रत्येक जिला अस्पताल में और प्रदेश अस्पताल में प्रदेश के प्रत्येक जिला के पीसीआर के लैब में और जनकपुर प्रदेश प्रयोगशाला के जनशक्ति सब के व्यवस्थापन के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ गई। हम सब एकदम आशावादी छी दू चार दिन के भीतर में ही जनशक्ति आगे बात बढ़त जी बजट भी जेतै जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ धन्यवाद अहुके इस सब चीज के बारे में हमरा छलफल करे के मौका दिलिए और पब्लिक में जे चीज के करे के जानकारी करे के मौका दिलिए तिकरा धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छले डॉक्टर श्रवण मिश्र प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख। आइ हुनका से बातचीत करे छलिए जे जनकपुर धाम में टेस्ट केना के चल रहल छै, विशेष क के पीसीआर टेस्ट केना के चल रहल छै आ जे सब संक्रमित छै या जिनका सबके ई आशंका छै कि हम संक्रमित भ सकै छी कि तो ओ सब टेस्ट कराबऽ जा रहल छै। आ दोसर बात अगर कोई टेस्ट कराबऽ चाहै छै तऽ की करऽ के चाही, जेना कि ओ कहि रहल छलै कि किछु नहि है एकटा कार्ड लऽ के एतै आ सीधा लैब में जेतै ताहिके बाद ओ टेस्ट करा सकै छै कि वास्तव में पॉजिटिव छै या निगेटिव छै। यावत विषय में हुनका सँग बातचीत करै छलियै। बेस्त नमस्कार।